सो फर्स्टली सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि मैं दो ब्लॉग्स तो डालने ही वाला हूँ वीक में, लेकिन ये ब्लॉग भी करीबन एक वीक के बाद आ रहा है। सो ट्रस्ट मी गाइस, आई एम ट्राइंग टू अपलोड टू ब्लॉग्स इन अ वीक, बट पता नहीं क्या हो जाता है। सो गाइज, मैं काफ़ी टाइम से यही माइक यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैंने ये लिया है, मतलब व्लॉगिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। इसलिए ओया BY-MM1 माइक है, यूनिवर्सल कार्डियो एक माइक माइक्रोफोन जिसको व्लॉगिंग के लिए काफ़ी सारे लोग रेकमेंड करते हैं, और काफ़ी अच्छा माइक है। मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इसको। मेरे पास इसके पहले एक और माइक था, ये वाला वायर्ड वाला, जिसको करीबन मैंने 200-250 रुपये में लिया था, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता था उस समय, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है अगर आप लोग इंडोर शूट करते हो। तो आज मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ, कहीं बाहर जा नहीं रहा हूँ, तो सोचा इस माइक्रोफोन को ब्रेक दे देते हैं और इस माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्विच करते हैं। सो फर्स्टली मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला था करीबन 8 महीने पहले, गौरव तनेजा के साथ। जब मैं उनसे मिला था, मैं मिला था उनसे फ्राइडे 27 दिसंबर 2019 को, जब वो कच्छ जा रहे थे। तो वो अहमदाबाद में एक होटल है, वहाँ पर आए थे कुछ ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ करने आए, मुझे पूरा परफेक्ट श्योरली नहीं पता। तो लोग मुझे पूछते रहते कि भाई तू कैसे मिला, क्या है, तो उस चीज़ के बारे में मैंने सोचा क्यों ना एक कंटेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया और वीडियो आप सभी लोग के लिए बना दूँ। तो फर्स्टली बताना चाहूँगा गाइस कि जिस दिन मैं मिला था, मतलब 27 दिसंबर, उसके बाद 28 दिसंबर को बादशाह रैपर है जो, उसका कॉन्सर्ट था अहमदाबाद में, और ये जो पूरा कॉन्सर्ट होने वाला था, इवेंट होने वाला था, उस इवेंट के मैं मैनेजिंग क्रू में था। तो इसलिए हम लोग तो वेट कर रहे थे बादशाह का उस होटल पे एक दिन पहले, मतलब 28 को कॉन्सर्ट था तो उससे पहले एक दिन पहले आने वाले थे बादशाह। तो हम लोग वेट कर रहे थे सुबह सुबह वहाँ पर होटल पे, करीबन 10:30 बजे हुए थे। तो उसी समय मैंने देखा गौरव तनेजा, रितु मैम, उनकी बेटी रसभरी, फिर अंकल आंटी सबको देखा मैंने। फर्स्टली जब मैंने फ्लाइंग बीस्ट को देखा, मतलब मैं पूरा ब्लैंक हो गया। वही फ्लाइंग बीस्ट है जिनके मैं वीडियोस देखता हूँ और जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। देन फिर उनकी पूरी फैमिली को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ, ये वही गौरव तनेजा है, हमारे फ्लाइंग बीस्ट। फिर मैं एक कोने में चला गया था, थोड़ा बहुत ब्लॉक करने की कोशिश की कि देखिए पीछे मेरे फ्लाइंग बीस्ट खड़े, गौरव तनेजा खड़े हैं, और उनसे भी मैं मिलने जाने वाला हूँ। उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाया, सबके साथ तो नहीं खिंचवाया, उनकी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि फिर इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास और उनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि उनके साथ व्लॉग करने की कोशिश की। क्योंकि यार, मतलब इतने दिनों से मैं काफ़ी टाइम से, करीबन 1-2 साल से उनके वीडियोज़ देखता था और उनसे काफ़ी इंस्पायर होता भी था, मैं इंस्पायर होता था उनसे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें संभालते हैं, जैसे फैमिली, देन उनकी जॉब, फिर ब्लॉगिंग, हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, सब मोमेंट्स वो शेयर करते हैं। तो आप वीडियो देखिए पहले वो, फिर बात करते हैं अपन। सो मैं बहुत बोली बार हूँ, बोलो बोलो। तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे, और डेली व्लॉग देखता हूँ आपके, और काफ़ी ऑब्वियसली बात है गाइस, द मैन इटसेल्फ, फ्लाइंग बीस्ट, मतलब ये नाम ही, जिनसे मिलने के लिए लोग पागल है, और उनसे मैं रूबरू मिल रहा हूँ। ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाया था व्लॉग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं नर्वस हो गया था, क्योंकि जिस इंसान को, मतलब आप इतने वीडियोस देखते हो उनके, और आई नो कि ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए था मुझे, अगर कुछ ज़्यादा कुछ और बातचीत करता, कुछ मैं पूछना चाहता था तो और कुछ पूछ सकता था मैं, और बट कोई बात नहीं यार। और यही कुछ सीन था गाइस, तो ये कुछ पूरी कहानी थी, स्टोरी थी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आप लोग के जो सजेशंस हो या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, और वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो कुछ पूछना चाहते हो तो मैं रिप्लाई सबको देता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आप लोग के प्रीशियस कमेंट्स बहुत ही मायने रखते हैं मेरे, आगे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तब तक के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि सपोर्ट करते रहो और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो मेरे चैनल को, काफ़ी जल्द 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।